साथ लगभग 3 साल से मूवमेंट में काम कर रहा हूँ, 3 बार जेल भी जा चुका हूँ, 2 अप्रैल और जो सबसे करंट का 3.5 महीने की जेल काट गया था। मुझे एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि आप किसी के देवी देवताओं को कोसो मत, जब हमारी बहन बेटियों के साथ इज्जतों के साथ खिलवाड़ होता है और बहन संजनी जैसी न जाने कितनी लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता है, तब कहाँ 33 करोड़ देवी देवता जाते हैं? बताओ, आते तो नहीं? तो हमें जरूरत ही नहीं ऐसे देवी देवताओं की। 350 गांवों में से देवी देवताओं के पोस्टर भरवा के, सारी मूर्ति भरवा के जिला मुजफ्फरनगर से सबको रेडियो में भरवा के मैं जेल काट गया था। जेल में किसी भगवान के डर से नहीं काट गया, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की वजह से काट गया था। और लानत है उन संगठनों को, बात कह रहा मुंह पे जो बिगाड़ रहा हूँ बिगाड़ लेंगे, लानत है उन संगठनों को, मैं एक का नाम नहीं ले रहा, लानत है उन संगठनों को जो आज बहुजन समाज की देन से आज बड़े बड़े मंत्री और संतरी बन के कोई महाराष्ट्र घूम रहा तो कोई हिमाचल घूम रहा। हमारी बहन को आगरा में जला दिया जाता है, पूरे देश को पता था कि भाई सतपाल तंवर ने उनके परिवार को लाकर आज दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया है, लेकिन शर्म नहीं आती उन लोगों को कि खुद 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं, खुद 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं और बहन संजली के लिए हम 10-20 आदमी आज यहाँ पर खड़े हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ उन बहन बेटियों को और उन भाइयों को जो इस बहन को इंसाफ दिलाने के लिए कम से कम, एक बहन सहारनपुर से भी चल के आ रही थी ममता शिवाजी रास्ते में, तो लानत है उन लोगों को। आप देख लीजिए हमारे एक संगठन है समता सैनिक दल, वे भी अलग अपनी चला रही, अगर ये एक जगह इकट्ठे होकर, मैं बुराई नहीं कर रहा, मेरा कहने का तात्पर्य कि अगर एक जगह इकट्ठे होकर हम आवाज लगाए तो उस ताकत का अंदाजा बहुत मजबूत लगता है। समय तो ले रहा जी ज्यादा साथियों, भाई मैं एक बात कहना चाह रहा जी, उम्र में कम हूँ लेकिन तजुर्बा इतना ले रहा हूँ, मैं ग्राउंड जमीन स्तर कहते हैं जिसे, कम से कम 1700 गांवों में सफाई कर चुका हूँ मैं, 1700 गांवों में। और सच बताऊं मेरी कोई ड्यूटी नहीं है, मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही, ना मेरी कोई वो है, सिर्फ पीड़ा है। मैंने देखा समाज को, आप जाकर देख लीजिए श्यामलिया बागपत में, बहन बेटियों को तो छोड़ो, हमारे बड़गों को खाट पे भी बैठने दिया जाता, जाट बेल्ट है सारी, लेकिन यहाँ क्या दिल्ली में मौज ले रहे हैं, संगठन बना लिए, दुकान खोल ली बड़ा दबा के। अगर हमने भीम आर्मी 2 बनाई है तो मैं आज वादा करता हूँ, अगर मर गया तो कुछ कहता नहीं, धमकी मिल रही मुझे, भीम आर्मी 2 बनी क्यों है, जब तक इस समाज में हम, जब तक इन गद्दारों को निकाल के बाहर ना लात मार के निकाल दें, हम निकालेंगे, समाज को आईना दिखाएंगे और उन गद्दारों को बाहर निकालेंगे और जो बिगाड़ता हो बिगाड़ लेंगे, लेकिन समाज के साथ हम गलत ना होने देंगे ना होंगे, क्योंकि ना तो समाज का पैसा खाना ना खान देंगे, ये क्लियर फैक्ट है। आज मुझे दुख हो रहा है कि पूरे बहुजन समाज ने भीम आर्मी का दिल से साथ दिया था, 7 प्रोटेस्ट हुए, भाई सतपाल तंवर ने भी एक प्रोटेस्ट किया था, मैं खुद आया था उसमें, 50-60 हजार आदमी भी आए, 10 हजार भी आए, 1 हजार भी आए, लेकिन अगर सुजीत सम्राट जो दिल्ली के प्रदेश प्रभारी है, मैं इस मंच के द्वारा उन्हें मैसेज देना चाहता हूँ, सुजीत सम्राट जो काला कोट पहन के चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट का अपने आप को एडवोकेट बनाते हैं, शायद होगे मेरे बड़े भाई है वे, उनका कर्तव्य बनता था कि आज उन लोगों को यहाँ पर आना चाहिए था नहीं आना चाहिए था, बताओ, जब हम लोगों ने चंद्रशेखर की रिहाई के लिए साथ साथ प्रोटेस्ट किए, क्या उनका फर्ज नहीं बन रहा था यहाँ पे आने का, बताओ साथियों। अब न्यारे 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 बैठो, इंसाफ पैसे नहीं मिलता। अच्छा चलो, तो साथियों आप एक बार हाथ उठा के ये बताइए, क्या बहन संजली को इंसाफ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो मेरा एक कहा मानोगे, वो तो छोटा सा, खैर मैंने वो कोशिश की थी सतपाल भाई को पता है, मुजफ्फरनगर से लेकर दिल्ली तक पद यात्रा, लेकिन हमें खतौली में रोक दिया गया प्रशासन के द्वारा, क्योंकि एक फर्जी मामला चला था कि इस बहन संजली के हत्यारे उसी के फैमिली के निकले, ये फर्जी था मामला, ठीक, लेकिन वादा करो मेरे साथियों, अगर यहाँ से कुछ नहीं होता, हम वादा करते हैं, भीम आर्मी 2 वादा करती है, मेरठ से आगाज करेंगे, और हमारा वादा है दिल्ली गृह मंत्रालय पे, अगर हमारी बात को नहीं माने जा रहा तो मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। जय भीम, जय भीम। We'll be right back.